तो रामजी टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे विंडो 7 से विंडो 10 में कैसे अपग्रेड करें, यानी कि विंडो 7 को विंडो 10 में कैसे अपग्रेड करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी जानकारी के साथ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जो है जिनका जो है विंडो 7 यूज करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अपना विंडो 7 को जो है तुरंत जो है उसको विंडो 10 पर लेते रहें, ताकि जो है विंडो 10 का जो बेनिफिट है वो उनको मिल सके। लेकिन जो है लोग जानकारी के अभाव में वो सब कर नहीं पाते हैं। तो बेसिकली सारे लोग तो जाकर सिंपली पहले गूगल पे सर्च कर लेते हैं हाउ टू अपग्रेड विंडो 7 टू विंडो 10। लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर और सारी अंग्रेजी में जानकारी की वजह से वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्या कुछ करना है। तो आज मैंने ये वीडियो बेसिकली आपको हिंदी में बताया है कि कैसे आप जो है अपने विंडो 7 को विंडो 10 में अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में समझा सकता हूँ कि कैसे जो है विंडो 7 को विंडो 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विंडो 7 को विंडो 10 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों, यदि आपको विंडो 7 को जो है विंडो 10 में डालना है, तो उसके लिए आपको एक सेटअप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा विंडो 10 का। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड विंडो 10, तो ये जो है कि आपका डिवाइस इसके लिए तैयार है कि नहीं। यदि आप जो है लैपटॉप यूज करते हो, या फिर जो है आप यूज करते हो सिस्टम, यानी कि PC यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन का, तो उसके लिए आपको कम से कम 30 से 40 GB स्टोरेज जो है आपको चाहिए, मतलब स्पेस फ्री चाहिए इसको डाउनलोड करने से पहले, ठीक है। ये पहली बात आप ध्यान रखना, यदि इससे कम होता है तो आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, हो सकता है कि आप परेशान भी हो जाएं, ठीक है, और सही से जो है विंडो 10 में आपका जो PC है वो जो है अपग्रेड ना हो, ठीक, कि विंडो 7 को आप जो है विंडो 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो सेटअप है ये तो फिलहाल अपडेट के लिए बोल रहा है, क्योंकि मेरा जो है विंडो 10 है तो अपडेट के लिए बोल रहा है। इसके नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो ये बोल रहा है क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो आपको ये टूल जो है ना इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी कैसे जो है आपको कन्वर्ट करना है। फिलहाल मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जो है आपको बोलेगा इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको इंस्टॉल करने के लिए सीधे से इंस्टॉल कर देना है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं दूसरा लिंक भी दे देता हूँ, वहाँ पर स्टेप बाई स्टेप जाकर आप पढ़ सकते हैं कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो अपग्रेड करने के लिए सिंपली जो जब आप मान लीजिए इस टूल को आप डाउनलोड करेंगे और इसको जो है इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको जो है बोलेगा एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा लाइसेंस का एग्रीमेंट, उसको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद इसको जो है सीधे से बोलेगा, देखिए इस तरह बोलेगा व्हाट यू वांट टू डू। तो यहाँ पर आपको इसे दिखेगा अपग्रेड द PC नाउ, ठीक है, तो इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपग्रेड द PC नाउ। उसके बाद सीधे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सीधे सीधे प्रोडक्ट की डालना है। प्रोडक्ट की दोस्तों आप जो आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं कहीं से, या फिर किसी से ले सकते हैं, ठीक है, बेसिकली वो जो है वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप जो है प्रोडक्ट क्यू डालना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं कि आपका जो पर्सनल फाइल हो, ऐप्स हो, वो सारे सुरक्षित रहें, तो उसको जो है जब रेडी टू इंस्टॉल बोलेगा तो आपको इंस्टॉलेशन पर इंस्टॉल विंडो 10 पर और उसके साथ कीप पर्सनल फाइल एंड ऐप्स उसको रखने पर जो है इस पर दोनों को चेक कर देना है। चेक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल जब दोस्तों विंडो 10 जो है इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, सीधे मैं आपको बता देता हूँ, बैक आ जाइए और आपको जो है सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आकर विंडो अपडेट एंड सिक्योरिटी जो फीचर मिलता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा शुरू से बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेटिंग ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको विंडो एंड सिक्योरिटी का जो है फीचर्स मिलता है यहाँ पर, जब आप अपडेट कर लेंगे तो, ठीक है, जब आप विंडो 10 डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद जो है उसको जब एक्टिवेट करने जाएंगे, ठीक है, तो एक्टिवेट करने के लिए जब आप इसको ओपन करेंगे विंडो 10, तो आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी का फीचर्स मिलेगा। उसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक्टिवेशन, ये देखिए ये रहा एक्टिवेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिवेशन पर क्लिक करेंगे तो एक अलग तरह का जो है विंडो खुलेगा। यहाँ पर देखिए लिख रहा है विंडो इज एक्टिवेटेड विद एयर डिजिटल लाइसेंस लिंक। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा एक्टिवेट है। आपको जब दोस्तों आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको बोलेगा यहाँ पर
एक्टिवेट विंडो एंड प्रोडक्ट की डालने के लिए। तो आपको सिंपली जो है प्रोडक्ट की डाल लेना है। आप चाहे तो प्रोडक्ट की जो है बाय कर सकते हैं सीधे किसी भी वेबसाइट से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट से भी जो है आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा का सारा फुल प्रोसेस है। इसको करने के बाद आप जो है आसानी से विंडो 7 से जो है विंडो 10 में अपग्रेड कर जाएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, बस यही सब फॉलो जो है आपको ये सब फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विंडो 10 आप डाउनलोड कर रहे हैं उससे पहले आपके कंप्यूटर में 40 GB का स्टोरेज मिलना चाहिए मिनिमम, मतलब 30 से 40 भी रहे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी फाइलें हैं विंडो 7 में उस सारे का बैकअप आप बना लीजिए। बैकअप मतलब सॉफ्टवेयर जो है, जो नेसेसरी फाइल्स है वो सारे का जो है बैकअप बना लीजिए, या तो किसी स्टडी में डाल लीजिए या फिर किसी जो है पेन ड्राइव में डाल लीजिए। उसके बाद ही आप ये सारा काम करिएगा, ठीक है। वैसे तो विंडोज 7 से विंडोज 10 में कन्वर्ट मतलब अपग्रेड करेंगे तो कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, फिर भी बैकअप के लिए हमें जो है ये सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और नीचे जो है कमेंट कीजिए यदि और भी कोई आपकी क्वेरी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनको जिनको भी विंडो 7 से विंडो 10 में अपग्रेड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।